वेलकम इन माय चैनल्स होम एस्ट्रो चैनल इन यूट्यूब। टुडे आजकल हमारे आसपास न्यूज चैनल्स में ओमिक्रॉन को लेकर बहुत ही हम भयभीत हैं। यूं कहें कि कोविड के थर्ड वेव इंडिया में पैर पसार रही थी। ये कोविड अपना कप शेप बदलता रहता है। जब हमने सेकंड वेव में देखा इसके डेल्टा ने काफी तेजी से फैला, इसने काफी लोगों का को बेरोजगार दिया, काफी कुछ लोगों में टेंशन था। आज फिर इसका थर्ड वेव ओमिक्रॉन नामक ये वायरस, इसमें कितने वैक्सीनेशन कितने कारगर है ये एक जांच का विषय है। डेल्टा वायरस को किल करने में ये हमारी इंडियन वैक्सीनेशन बहुत ही कारगर है। ये एक नया वायरस है, एक नया वेरिएंट है, वो इसकी नई शेप है। तो इसके लिए ये कितना हमारी इंडियन वैक्सीन इस पर क्या प्रभाव करेगी जी अभी जांच का विषय है। ये भी एक एज यू नो कोरोना ओमिक्रॉन एक वायरल डिजीज है। इसकी ड्यूरेशन एज लाइक द कोविड अप्रोक्सीमेटली 2 वीक्स और 10 डेज है। इसमें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के इन्फेक्शन ज्यादा रहती है, जबकि डेल्टा वेरिएंट में या कोविड में हमने पाया उसमें मेन कॉम्प्लिकेशन क्या थी, निमोनिया, लंग्स को हिट कर रहा था। ये डेल्टा की तरह ओमिक्रॉन उतना प्रभावी नहीं है, ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में ज्यादा अफेक्ट करता है। ड्राई कप, शोर थ्रोट और इसमें बॉडी पेन्स बहुत ज्यादा रहता है। इसके सिंपल टेस्ट है आरटीपीसीआर में ये डिटेक्ट हो जाता है। यदि आपको इस तरह के कोई सिम्टम मिले तो आप सिंपल आरटीपीसीआर टेस्ट कराएं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमने इसे कैसे रोकना है। सोशल डिस्टेंस बना के रखनी है, सोशल डिस्टेंस बनाकर रखनी है। हमें मास्क का प्रयोग करना है, N95 मास्क का प्रयोग करें। स्पिटिंग कफिंग कभी भी खुले में ना करें। अपने सैनिटाइजर का प्रयोग करते रहें, अपने हाथ को बार बार धोएं, अपना मास्क रोज ही चेंज करें। सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ही जरूरी है, सैनिटाइजेशन बहुत ही जरूरी है। पब्लिक प्लेसेस में ना जाएं, पब्लिक प्लेसेस में बिल्कुल ना जाएं। मुझे एक बड़ी विडंबना की बात यह है कि हमारे पॉलिटिकल रैलियों में लाखों लोग जाते हैं, उनके लिए कोई भी बैन नहीं है। मैं पढ़ रहा था कोई मुख्यमंत्री भी इससे प्रभावित है। शायद हमारा पॉलिटिकल सिस्टम इतना बिगड़ गया है, इतना बिगड़ गया है कि ये शायद ये जो रूल कायदे निजम आम लोगों के लिए हैं, शायद इनके लिए कुछ भी नहीं है। मैं तो समझता हूं सबसे ज्यादा रोग फैलाने में, वायरस फैलाने में इनका योगदान है। इन राजनेताओं को यह समझना चाहिए कि अपने रैलियों में क्या इनके सोशल डिस्टेंसिंग हो रही है, क्या ये आम लोगों के लिए ही है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, जितने पॉलिटिकल रैलीज हैं उनको ऑनलाइन कर देना चाहिए ताकि ये स्प्रेड ना हो। तो मेरे प्यारे मित्रों, यदि आप इससे बचना चाहते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें, मास्क प्रॉपर रखें, हाथों को बार बार धोएं और अपना इम्यून सिस्टम बढ़ाएं। इम्यून सिस्टम बढ़ता है प्राणायाम योग। सकारात्मक सोच रखें, डरे नहीं,
भयभीत नहीं होना, कोई भी फोबिया अपने अंदर नहीं रखना, बस अपना इम्यून सिस्टम ठीक रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, सैनिटाइजर का यूज करना है, अपने हाथों को बार बार धोना है, और कहीं पर भी कोई भी पब्लिक प्लेसेस में नहीं जाना, और पब्लिक जो पॉलिटिकल रैलीज है उनका भी बहिष्कार करें। हम अपने आप को बचाना है, और जो चेन इसकी बनेगी उसको तोड़ना है, इस चेन को तोड़ने में आओ हम सब मिलकर के एक काम करें, और स्वस्थ भारत की ओर हम कामयाब बनाए, स्वस्थ भारत बने, स्वस्थ हमारा राष्ट्र बने, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम।